नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भादो का माह शुरू हो चुका है। ये माह श्री हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है, क्योंकि इस माह में उनका और उनकी प्रिय राधा रानी का अवतरण हुआ था। इस माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहार मुरली मनोहर को अत्यंत प्रिय हैं। और अगर बात करें एकादशी व्रत की, तो ये व्रत भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल अजा एकादशी के दिन 3 शुभ संयोग बन रहे हैं, इसके कारण भी ये व्रत काफी महत्वपूर्ण है। पौराणिक मान्यता के अनुसार अजा एकादशी का व्रत राजा हरिश्चंद्र ने भी रखा था, जिसके कारण उनके जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में अजा एकादशी कब पड़ रही है और इस दिन पड़ने वाले शुभ योग, शुभ मुहूर्त और अजा एकादशी व्रत का पारण समय। तो आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि की शुरुआत 29 अगस्त को प्रायःकाल 1:19 से हो रही है और इसका समापन 23 अगस्त को सुबह 1:37 तक खत्म होगा। उदय तिथि के अनुसार इस साल अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा। गुरुवार के दिन अजा एकादशी का पड़ना बेहद शुभ माना जाता है। अजा एकादशी के व्रत का पारण 30 अगस्त शुक्रवार को होगा। उस दिन आप पारण सुबह 7:49 से सुबह 8:31 के बीच कर सकते हैं। इसके अलावा ज्योतिष गणना के अनुसार इस बार अजा एकादशी के दिन 3 शुभ संयोगों का भी निर्माण हो रहा है। पहला संयोग तो ये है कि भगवान विष्णु का ये व्रत गुरुवार के दिन है। गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का दिन है। दूसरा संयोग ये है कि अजा एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। तीसरा संयोग ये है कि व्रत वाले दिन सुबह में सिद्धि योग बनेगा। तो चलिए आगे जानते हैं इस व्रत की पूजन विधि। अजा एकादशी एक ऐसा त्योहार है जिसमें व्रत नियम और अनुष्ठान के साथ रखा जाता है। इसके नियम के अनुसार एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लें, पूजा स्थल को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। पूरी श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लें। कुछ पूजा सामग्री जैसे फूल, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, अगरबत्ती, घी, पंचामृत, भोग, तेल का दीपक, तुलसी, दाल, चंदन आदि रखना जरूरी है। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें और भोग लगाएं। सुबह शाम आरती करें। अजा एकादशी अत्यंत फलदायी मानी गई है, इसलिए इसकी व्रत कथा पढ़ें। कुछ भक्त पूरी रात जागते हैं और भगवान को समर्पित भक्ति गीत, भजन और कीर्तन गाते हैं। द्वादशी के दिन सुबह गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इसके बाद फल खाकर व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।